पुलिस अमूमन चेकिंग के दौरान गाड़ियों की तलाशी लेती है, तो अक्सर हथियार या फिर अवैध शराब का जखीरा ही बरामद होता है। लेकिन इस बार आगरा पुलिस जब हाईवे पर एक कार की तलाशी ले रही थी, तो उस वक्त जो मिला उसने पुलिस वालों के भी होश फाख्ता कर दिए। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पुलिस एक कार की डिग्गी खोलती है और उसमें से जीता जागता एक लड़का निकल आता है, जैसे अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। लेकिन ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत बताया जा रहा है कि ये लड़का हरियाणा के फर्नीचर कारोबारी आशीष अग्रवाल का इकलौता बेटा ईशांत है, जो अपनी चचेरी बहनों से मिलने ड्राइवर आकाश यादव के साथ कार में बैठकर फरीदाबाद से नोएडा जा रहा था। लेकिन रास्ते से अचानक वो गायब हो गया, जिसकी सूचना ईशांत के परिजनों ने नोएडा पुलिस को दी, जिसके बाद व्यापारी के बेटे के अपहरण के बाद नोएडा पुलिस के साथ साथ आगरा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई थी। आरोपी जब कारोबारी के बेटे को लेकर मैनपुरी की तरफ जा रहे थे, तभी आगरा पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे के खंदोली टोल प्लाजा पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक कार को रोककर उसकी डिक्की खोली, तो इस मामले का खुलासा हो गया। 2023 को पारस गुप्ता निवासी नोएडा ने थाना खंदौली को जरिए फोन सूचित किया कि उसका भांजा ईशांत अग्रवाल उम्र 18 वर्ष पुत्र आशीष अग्रवाल निवासी सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद को उसके ड्राइवर आकाश यादव पुत्र भूर सिंह निवासी किसनी मैनपुर व उसके साथी आशीष यादव ने गाड़ी संख्या HR 51CG7143 में अपहृत कर लिया है और आगरा की तरफ निकल पड़े हैं। सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से SHO खंदौली नीरज मिश्रा व चौकी इंचार्ज RP सिंह ने पूरी टीम के साथ टोल पे सघन चेकिंग शुरू कर दी। करीबन 30 मिनट बाद उक्त गाड़ी नोएडा की तरफ से आते हुए दिखाई दी और अपहृतकर्ताओं ने जब पुलिस की सघन चेकिंग को देखा तो उन्होंने गाड़ी को तेज कर दिया। लेकिन कतिपय प्रयासों के उपरांत जब गाड़ी को रोका गया और देखा गया उसकी डिग्गी खुलवाई गई, तो उसमें ईशांत अग्रवाल डरा सहमा लेकिन सकुशल पाया गया। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और हरियाणा पुलिस से समन्वय स्थापित कर अग्रिमनीतिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अपहरण के बाद फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। फिलहाल यूपी पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क कर ईशांत को उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया है। वहीं यूपी पुलिस की इस तत्परता से एक परिवार का चिराग बुझने से बच गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।